सब्सक्राइब करें सो हमें पर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सो हमें पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे छत्तीसगढ़ के टॉप 10 रेलवे स्टेशन की लिस्ट। इस वीडियो में आप जान पाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत में सेंटर ईस्ट में बसा भारत का 9th लार्जेस्ट स्टेट है और 16वां मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है भारत का। दोस्तों छत्तीसगढ़ अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील सोर्स के लिए जाना जाता है और दोस्तों ये भारत का फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट है। तो दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के 56 रेलवे स्टेशन में से आज टॉप 10 रेलवे स्टेशन जानेंगे। जो लिस्ट होंगी वो इन पॉइंट्स पर होंगी: हाई पैसेंजर ट्रैफिक, मोर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, फेमस रेलवे स्टेशन एंड मेन रेलवे स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट। तो हम दोस्तों नंबर 10 से नंबर 1 तक जाएंगे। तो नंबर 10 पर स्टैंड कर रहा है स्टेशन है भाटापारा रेलवे स्टेशन। दोस्तों बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट का ये रेलवे स्टेशन है जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है और रायपुर स्टेशन का रेलवे डिवीजन है। भाटापारा रेलवे स्टेशन पर 95 ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या 4 है। अब नंबर 9 पे बढ़ते हैं। जो नंबर 9 पर है तिल्दा रेलवे स्टेशन, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला ये रेलवे स्टेशन है जो रायपुर बिलासपुर ब्रांच लाइन एंड बिलासपुर नागपुर सिंक्शन लाइन पर बसा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इस स्टेशन को ऑपरेट करता है और रायपुर रेलवे स्टेशन रायपुर इस स्टेशन का डिवीजन है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर 54 ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या 4 है और 5 रेलवे ट्रैक्स हैं। नंबर 8 पर बढ़ते हैं जो है रायगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन एक मेन रेलवे स्टेशन है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। टाटानगर बिलासपुर सिंक्शन लाइन और हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर स्टेशन बसा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इस स्टेशन को ऑपरेट करता है और बिलासपुर रेलवे इसका डिवीजन है। इस रेलवे स्टेशन पर 56 ट्रेन का हॉल्ट है और 5 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है अलग अलग डायरेक्शन में। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म है और 6 रेलवे ट्रैक है। अब नंबर 7 पर बढ़ते हैं जो है डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों डोंगरगढ़ एक बिजी रेलवे स्टेशन है मुंबई हावड़ा रेलवे रूट का और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन आता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है नियर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। दोस्तों डोंगरगढ़ मेन रेलवे स्टेशन है बम्लेश्वरी टेम्पल में जाने के लिए, काफ़ी फेमस टेम्पल है ये डोंगरगढ़ टाउन का। हावड़ा मुंबई मेन लाइन इसी रेलवे स्टेशन से जाती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है और नागपुर रेलवे इस स्टेशन का डिवीजन है। इस रेलवे स्टेशन पर 44 ट्रेन का हॉल्ट है और 5 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 6 है। अब नंबर 6 पर जो स्टेशन है भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन। दोस्तों दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन आता है जो सेकंड मेन रेलवे स्टेशन है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का। ए ग्रेड रेलवे स्टेशन है ये इंडियन रेलवे का। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन से बिलासपुर रायपुर नागपुर सिंक्शन लाइन और हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन इस रेलवे स्टेशन से जाती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है और रायपुर रेलवे इस स्टेशन का डिवीजन है। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को ये स्टेशन ओपन किया गया था। इस रेलवे स्टेशन पर 72 ट्रेन का हॉल्ट है और यह प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है। अब दोस्तों नंबर 5 पर बढ़ते हैं। जो नंबर 5 पर दो स्टेशन है जो है पहला चांपा जंक्शन और दूसरा कोरबा रेलवे स्टेशन। तो पहले चांपा जंक्शन के बारे में जानते हैं फिर कोरबा रेलवे स्टेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चांपा डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है चांपा जंक्शन। इस रेलवे स्टेशन का जो बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है ये चांपा डिस्ट्रिक्ट में। टाटानगर बिलासपुर सिंक्शन लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन और गेवरा चांपा लाइन पर ये रेलवे स्टेशन स्थित है जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है और बिलासपुर रेलवे इस स्टेशन का डिवीजन है। इस रेलवे स्टेशन पर 74 ट्रेन का हॉल्ट है और 3 प्लेटफॉर्म इस रेलवे स्टेशन पर है। अब नंबर 5 पर दूसरा जो स्टेशन है वो है कोरबा रेलवे स्टेशन। दोस्तों गेवरा रोड चांपा लाइन पर यह रेलवे स्टेशन स्थित है जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है और बिलासपुर रेलवे का डिवीजन है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर 12 ट्रेन का हॉल्ट है और 6 ट्रेन स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और अब दोस्तों ये रेलवे स्टेशन ना अपने हाईएस्ट पैसेंजर ट्रैफिक के कारण नंबर 5 पर आया है। जो इस रेलवे स्टेशन पर डेली पैसेंजर का ट्रैफिक 19,000 के आसपास होता है। अब दोस्तों जो नंबर 4 पर स्टेशन है जो उसका नाम है राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। दोस्तों
1880 में रेलवे स्टेशन ओपन किया गया था जिसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है और नागपुर रेलवे स्टेशन का डिवीजन है। दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट का ये रेलवे स्टेशन है, काफ़ी ओल्ड स्टेशन है, सबसे छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे पुराना अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यही रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर 81 ट्रेन्स का हॉल्ट है और यहाँ 3 प्लेटफॉर्म से इस रेलवे स्टेशन से शिवनाथ एक्सप्रेस, इंदौरपुरी हमसफर एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, हटिया एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस से और भी ट्रेन्स इस स्टेशन से जाती है। अब नंबर 3 पर बढ़ते हैं, जो नंबर 3 पर है दुर्गगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये स्टेशन एक प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन का। ये स्टेशन इंडियन रेलवे का एक ग्रेट टाइप का रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर सर्विस के लिए। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन से बिलासपुर नागपुर जंक्शन लाइन, हावड़ा मुंबई लाइन और दुर्ग दिल्ली राजरहारा लाइन जाती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इस स्टेशन को ऑपरेट करता है और रायपुर रेलवे स्टेशन का डिवीज़न है। 1891 में इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था और जिसका ओल्ड नेम बंगाल नागपुर रेलवे था या उसको ऑपरेट करता था। दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट पर जाने के लिए इसे रेलवे स्टेशन से जाना पड़ता है और इस रेलवे स्टेशन पर 115 ट्रेन्स का हॉल्ट है और 29 ट्रेन्स इस स्टेशन से ऑरिजिनेट होती है और 27 ट्रेन्स इस स्टेशन से टर्मिनेट होती है। इस रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। अब नंबर 2 पर जो स्टेशन है वो है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट की कैपिटल और बिगेस्ट सिटी रायपुर है, जहां रायपुर जंक्शन एक मेन रेलवे स्टेशन है। A1 ग्रेड का ये रेलवे स्टेशन है जो वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग रेलवे स्टेशन है भारत का। ये स्टेशन एक प्रोमिनेंट स्टेशन है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन का। इस रेलवे स्टेशन से बिलासपुर नागपुर जंक्शन लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन और रायपुर महासमंद विजयगरम लाइन जाती है। क्या नाम है थोड़ा मैं स्पेलिंग में लिख देता हूँ, वर्ड उसको आप पढ़ लेना, ठीक है, नाम थोड़ा लंबा है इसलिए ले नहीं पाया। 1888 में रेलवे स्टेशन ओपन किया गया था जिसे पहले बंगाल नागपुर रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करते थे। अभी इस रेलवे स्टेशन को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है और रायपुर खुद अपना रेलवे डिवीजन है। दोस्तों इस स्टेशन पर 151 ट्रेन्स का हॉल्ट है और 21 ट्रेन्स इस स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म से डेली पैसेंजर का ट्रैफिक अप्रॉक्सीमेटली 350,000 के आसपास होता है। अब नंबर 1 पर जो स्टेशन है छत्तीसगढ़ स्टेट का वो है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर और छत्तीसगढ़ स्टेट का वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए ये स्टेशन जाना जाता है। 1890 में स्टेशन ओपन किया गया था बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा। इस स्टेशन से हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन और बिलासपुर कटनी रेलवे लाइन जाती है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इस स्टेशन को ऑपरेट करता है और बिलासपुर खुद अपना रेलवे डिवीजन है। दोस्तों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर जोनल हेडक्वार्टर है। वही बिलासपुर रेलवे स्टेशन इंडिया के टॉप 100 बुकिंग स्टेशन में आता है। इस रेलवे स्टेशन से इंडिया के टॉप 10 क्लीन रेलवे स्टेशन में भी अपनी जगह बनाई है इस रेलवे स्टेशन ने। इस रेलवे स्टेशन पर 108 ट्रेन्स का हॉल्ट है और 30 ट्रेन्स इस रेलवे स्टेशन से ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है। इस स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म है और इस स्टेशन पर डेली पैसेंजर का ट्रैफिक अप्रॉक्सीमेटली सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 4 से 5 लाख के आसपास होता है। तो दोस्तों ये रहे छत्तीसगढ़ स्टेट के टॉप 10 रेलवे स्टेशन। अगर आप भी किसी स्टेट के टॉप 10 रेलवे स्टेशन जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।